तो वेलकम गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली, पहला AEW के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोग यार, सबसे पहले AEW गेम्स को अ बिग थैंक यू ये गेम हमें देने के लिए। तो भाई सबसे पहले हम लोग ट्रिपल ट्रेंड मैच करेंगे और इस वीडियो की हाईलाइट रहने वाली है बाग वायर मैच, पर वो भी बाद में खेलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत खेलने के लिए ट्रिपल ट्रेंड मैच खेलेंगे, तो नुबड़ा डिक्लियर मत करना पहली बार, क्योंकि पहली बार हम लोग खेल रहे हैं, हमें भी नहीं पता है क्या क्या मूव से कैसे मूव इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं यार, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो भाई एक कंप्यूटर को भी ले लेंगे और एक हम लोग दोनों खेलेंगे। तो चलो भाई P2 सिलेक्शन में मैं आ जाता हूं। P2 रेडी हो चुका है, P1 भी रेडी, और कॉम रेडी हुआ है क्या भाई? कॉम रेडी नहीं हुआ है आई थिंक, तो वो लेना होगा पहले। तो एक काम करते भाई, सिलेक्शन स्क्रीन देखो कुछ अलग लग रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखते हैं गेम कैसा होता है। जॉन बॉक्सली ले लूं क्या? शील्ड की याद आ रही मेरे, चलो ठीक है जॉन बॉक्सली। चलो भाई शील्ड से मुझे याद आ गया सीएम पंक का। भाई शील्ड ने अपने डेब्यूट में ही सीएम पंक का साथ दिया था, तो सीएम पंक में लूंगा भाई। इधर कोई एक्स WWE वाला लिया, जेफ हार्डी भी है मैच में, चलो जेफ हार्डी को भी ले लेते हैं। जेफ हार्डी इज हियर, देखते हैं और कौन, अभी बहुत सारे मैचेस खेलेंगे। MJF भी है, MGF का मैंने बहुत नाम सुना है। चलो MGF को ले लेते हैं, और भी अलग अलग सुपरस्टार्स लेंगे आगे वाले मैचेस में। भाई अब कैसा होगा? सुनो कोई नुबड़ा डिक्लेयर नहीं करेगा, समझ में आया? तो अरीना भी सिलेक्शन है। DQ काउंटर नॉर्मल पिन का मैच है। अच्छा टाइप्स ऑफ अरीना भी है, AEW डायनामाइट ये, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आप मैच ही चालू करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो मैच अब चालू हो चुका है और देखते हैं भाई। मैं सीएम पंक बना हूं, अमन बना है, जॉन मॉक्सली और MJF जिसका हमने काफी नाम सुना है AEW में, वो है हमारे अगेंस्ट। तो चलो एंट्रेंस देख लेते हैं। जॉन मॉक्सली भाई शील्ड के एंट्रेंस की जैसा ऑडियंस की तरफ से आ रहा है भाई साहब, लगते हैं जो पहले AEW के डेब्यूट के टाइम जॉन मॉक्सली जैसे आया था वैसे आ रहा है भाई। सीएम पंक, अच्छा एंट्रेंस इसमें WWE 2K जैसा फुल नहीं डाला है, ठीक है थोड़ा बहुत डाला है, कोई बात नहीं। और म्यूजिक, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा है, हमने ऑफ किया था क्योंकि हमें बताया गया था कि म्यूजिक डालने से चैंपियन नहीं है, ये चैंपियन है। तो MJF जो कि चैंपियन हम तो देखते नहीं है AEW, लेकिन AEW का चैंपियन है। तो आ जाओ भाई टाइटल मैच लगाना चाहिए। ओ भाई जॉन मॉक्सली को मारा है। अच्छा अच्छा ओके, ओ एल से टारगेट चेंज करता भाई मेरे, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा? मैं तो भाई चिल मारूंगा, आ जा भाई। डॉज का बटन मैंने देख लिया, मैंने सच्ची डॉज का बटन देख लिया। अरे मैं भी MJF की तरफ, चल मिलके मारते हैं MJF को, नया नया गेम है इसी को मारते मिलके। भाई कंप्यूटर को मारना ज्यादा सेफ रहेगा। अरे ये तो मेरी तरफ आ गया, कल चिड़ी चलती है। MJF इसको मार, चल भाई गुंडे अब भाई सही है। अरे सब मिलके मेरे को क्यों मार रहे भाई? भाई इसी को टारगेट करो, ये खतरनाक लग रहा है मुझे। MJF तो चलो इसकी तरफ टारगेट कर लिया, बिल्कुल सही है MJF मेरे भाई। मनुस MJF मेरी तरफ टारगेट क्यों करता है? बच गया मैं, बच गया, ऐसे कैसे बचने दूंगा। अरे भाई चले MJF इसको मिल करके मार। अरे मुझे मत मारो यार MJF, मैं अच्छा आदमी हूँ। हाँ गुड, अब लड़का सही टारगेट पे गया है भाई। चल तू निकल, अब मैं बताऊंगा भाई MJF मेरे भाई। अरे ये देखो ये कांड मारने लगा MJF भाई। हाँ चलो MJF मेरा भाई है, MJF उसके बाद MJF भाई तू बस खड़ा खड़े क्या कर रहा है? गुड फोकस मार देगा MJF, टोंटी मार देगा तू, इसको कब मारेगा? ओ भाई सब सिग्नेचर आ गया है मेरा भाई, मैं सिग्नेचर MJF मेरे भाई तू, आई थिंक मैं सिग्नेचर नहीं देगा भाई। तू पीट भाई, तू पिटने के ही लायक है यार। मेरा लगी MJF, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? MJF इसी को मार, मैं बता रहा हूं इसी को टारगेट कर, ये गलत बंदा है यहां पर। देख मैंने बचा लिया, याद रखना ये। अच्छा सिग्नेचर देने का ऑप्शन दे रहा था, किससे देता है सिग्नेचर? MJF को। अरे मेरा भी सिग्नेचर आ गया सिग्नेचर, मैं तो बता रहा हूं सिग्नेचर उठा के दे दे। अच्छा इसमें चला भी जाता है अगर पिटाओगे ना। चल भाई उठ जा, उठ जा मेरे भाई, उठ जा। चल अरे सिग्नेचर फिनिशर का बटन देख के डिड्स डडी डिड्स टाइम भाई, मेरा ऊंट भाई पिन करवा लेगा भाई। डडी डिड्स टाइम भाई, पिन तो करवा ले। नहीं पिन अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी पिन कैसे? स्पेशल भी आया हुआ है मेरे पास, और आई थिंक MJF ने बचा लिया। मेरे पास भी स्पेशल आया हुआ है, मां कसम कोई भिड़ेगा ना मेरे से, मैं कांड कर दूंगा। मेरे पास भी सिग्नेचर आ चुका है भाई, मैंने भी सिग्नेचर दे दिया भाई। एनाकोंडा बॉयज स्ट्रिप, अब मैं लगता है ये मैच जीतने वाला हूं भाई। जल्दी उठ जाओ जॉन मॉक्सली, क्या कर रहा है वो, टैप आउट कर देगा
कर दिया क्या? अरे बचा मेरे भाई जॉन मॉक्सली, बचाना कैसे जॉन मॉक्सली, क्या कर रहा है? और चैंपियन भी बन गया, न्यू चैंपियन ये देख ले भाई, बेल्ट है AEW का बेल्ट है भाई, देख ले जॉन मॉक्सली मेरा भाई बचा नहीं रहा था, ये तो गलत सीन है भाई, जॉन मॉक्सली के साथ अलग खेल चल रहा है। चलो ठीक है, चलो ये मैच तो हमने ट्रिपल थ्रेट मैच देख चुके हैं, अब कुछ और करते हैं भाई। जॉन मॉक्सली पहला AEW चैंपियन CM Punk बन चुका है भाई, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है भाई। तो आप एक काम करते हैं कि बार्ड वायर मैच खेल लेते हैं, और इसमें एक काम करेंगे कि कॉम वर्सेस कॉम करेंगे, मतलब कॉम वर्सेस कॉम नहीं, मैं और उमंग अलग अलग प्लेस लेंगे और कॉम को मारेंगे, ताकि भाई हम लोग खेलने में इतना, ठीक है, इतना बिजी ना हो जाए। चल मैं सेलेक्ट करूंगा कि किस कॉम को मारना है, पहले तुम अपना प्लेयर सेलेक्ट कर लो, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा। जॉन मॉक्सली को मैंने हरवाया है, तो मैं चाहता हूं इस बार मैं जॉन मॉक्सली को जीतवा दूं। जॉन मॉक्सली मेरे भाई, तेरे को जीतवाऊंगा मैं। या एक काम करता हूं, जेफ हार्डी तू ही आजा। चलो अमन ने ले लिया है जेफ हार्डी, और जेफ हार्डी के अगेंस्ट मैं किसे चूज करूं? स्टिंग रहेगा भाई जेफ हार्डी के अगेंस्ट। अपना स्टिंग भी WWE में आ चुका है, तो जेफ हार्डी वर्सेस स्टिंग। अच्छा जेफ हार्डी का यहां पर फिनिशर क्या है? जेफ हार्डी वर्सेस स्टिंग द बावर मैच, जो सबसे खतरनाक मैच रहने वाला है AEW गेम का। तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। जेफ हार्डी बनाए अमन और कॉम है स्टिंग भाई, बहुत कुछ है। जेफ हार्डी आ चुके हैं भाई साहब WWE में, वी मिस यू सेम टॉन्ट के साथ। जेफ हार्डी इज हियर, जेफ हार्डी आ चुके हैं यहाँ पर। स्टिंग कैसे आते हैं भाई? फाइव टाइम और मार का सब, स्टिंग भी आ चुके हैं। आइकॉन स्टिंग, ट्रिपल एच देख रहा है साइड में 2K गेम्स से। अरे भाई साहब डरा दिया मेरे को स्टिंग सर ने भाई। स्टिंग का काफी अच्छा ग्राफिक्स लग रहा है। ओ भाई साहब पूरा करंट लग रहा है, मैं बता रहा हूं भाई। रूस क्या है भाई, रूस कब समझाओगे तुम लोग? अच्छा मेरे को आई थिंक मेरे को लगता है कि करंट की तरफ फेंकना होगा। उठ जा मेरे और भाई, नीचे टाइमर बना हुआ है भाई, इतने टाइमर में कुछ ना कुछ तो होने वाला है नौका। ओ अरे मां कसम मेरे को इसकी तरफ फेंक रहा है, अब क्या लगता है कि करंट की तरफ जाएगा ना, डैमेज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कुछ क्यों खुद जा रहा करंट पे, तेरे को मैं करंट की तरफ फेंकता हूं। ओ भाई सो लो कर रे, इसको करंट लगा भाई, मेरे को बचाना था डॉज वाला बटन। ओ दोबारा करंट लगा, दोबारा ये तो करंट वाला मैच भाई साहब। ग्रैपल यार, ग्रैपल करके ये लोग कांड कर देते। तेरे को करंट की तरफ, करंट की तरफ फेंक रहा, नहीं बच गया मैं, बच गया। ऐसे कैसे तुम करंट की तरफ फेंक दोगे मेरे को? नीचे पता नहीं क्या चाहेगा करंट की तरफ। 72 सेकंड बाकी है नीचे, बच गया। कुछ फटने वाले वाला है क्या 72 सेकंड? ओ बॉय यू डोंट फॉरगेट दिस। अरे मां कसम रूप से अगर टच करोगे तो रूप फट जाएगा। मेरे को रूप की तरफ फेंक दिया, मेरे को रूप की तरफ फेंक दिया, क्या गंदा आदमी है, गंदा मारा रे। अरे मां कसम पूरा खून निकाल दिया। स्टिंग सर क्या कर रहे हो? स्टिंग बहुत गलत मारा यार तेरे को, मैं बता रहा हूं। स्टिंग सर रुक जाओ, मैं भी मेरे पास भी है यार आईडी स्वीप करने का सिस्टम। रुक जाओ स्टिंग सर, नहीं आपको मैं फेंक क्यों रहूंगा, आपको मैं फेंक के रहूंगा। नहीं फेंकाया, अभी भी मौका है तेरे पास, फेंक सकता है। अरे नहीं लगा, अब तो तेरे पे लगेगा। अरे भाई फिर बच गया यार, ये तो बचता नजर आ रहा है। अरे मेरे भाई स्टिंग, अरे नहीं आरिश में मत कर मेरे भाई, आरिश में मत कर भाई। स्टिंग तो लगता है, ओ नहीं नहीं बच गया, बच गया, बच गया, इस बार तो मैं बच गया। 30 सेकंड में कुछ ना कुछ तो होने वाला है भाई, 27-26 सेकंड में, मैं बता रहा हूं यहां कुछ ना कुछ। ओ भाई साहब स्टिंग सर काफी मार रहे मेरे को, पर कोई दिक्कत नहीं है, जेफ हार्डी की पुरानी आदत है। अरे सब जेफ हार्डी क्या लगता है, लॉन्च गलत हो गया, सिर्फ 14 सेकंड और बाकी है। स्टिंग बचा, ये क्या होने वाला है, ये क्या लाल लाल हो रहा है यहाँ पर, लगता है मैच का 6-5। अरे मां कसम टकरा दिया, टकरा दिया, 5-4-3-2-1 क्या हुआ स्टिंग सर? अरे मां कसम सबसे बढ़ गया, ये क्या हुआ, रिंग फट क्यों गई भाई, ये रिंग फट क्यों गया, क्या डायनेमिक परफॉर्मेंस है कि रिंग फट गया भाई, रिंग क्यों फट गया, जीता कौन, दोनों दोनों भाई रिंग क्यों फट गया जब। अच्छा स्टिंग ज्यादा डैमेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी भी ये मैच तू जीत। अरे भाई तू एक एक वार पे मेरे को उधर क्यों फेंक रहा है स्टिंग मेरे भाई, इधर आ, अब तू पीटेगा, अब तू पीटेगा भाई, बहुत देर से मेरे को पीट लिया, अब तू पीटेगा। ये बाड़ी के बाद आई थिंक ये कुछ आने वाला है, ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है उसका। अरे सिग्नेचर आ गया भाई, सिग्नेचर आ गया, गुड बाय स्टिंग। अरे मैंने फाइनली बदला लिया, फाइनली मैंने बदला लिया है भाई, उठ मेरे भाई स्टिंग, उठ जा उठ जा उठ जा मेरे भाई, स्पेशल लगाने का टाइम आ चुका है। तो चलो भाई सिग्नेचर का टाइम आ चुका है, लगता है देने वाला सिग्नेचर। चल भाई ओ भाई टाइम पिन पिन करवा लेते हैं भाई, आ जाओ 1-2-3 भाई हार चुका है। ओ जेफ हार्डी की पुरानी आदत है वो खून खून करके जीत। चलो अब मेरी बारी, अब मैं खेलूंगा यार, इतना इंटरेस्टिंग मैच लगा मुझे, मुझे भी करंट लगवाना है सबको। लास्ट में मैंने बदला ले लिया स्टिंग सर से, ठीक है
हल्के मत लेना, लास्ट में मैंने बदला ले ही लिया। चलो ठीक है, तो चलो भाई तो एक्साइटिंग लग रहा है, और अगर तुम लोगों को भी गेम अच्छा लग रहा हो तो अरे भाई साहब फटाफट लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो ताकि AEW के और एपिसोड्स भी आए। तो चलो अब एक मैच मैं खेलूंगा यार, एक मैच मैं खेलूंगा। चलो तो मैं क्या ओपोनेंट मैं डिसाइड करूंगा, पहले मुझे तो डिसाइड करने दो मैं क्या लूं। केनी ओमेगा का बहुत नाम सुना है मैंने WWE में, ऑरेंज कैसिडी, और देखूं क्या क्या है। ये कौन है भाई? रिकी। अच्छा दो तीन मेरे को WWE की भी लड़कियां दिखी हैं जो एक्स WWE की लड़की है। स्टिंग तो आ चुका है, ब्रायन डैनियल ब्रायन भी है मार्केट में। ओ भाई डैनियल ब्रायन, वो तो लेना बनता है। कहां है ब्रायन डैनियलसन? अरे ये मलाइका एलेक्सा ब्लैक WWE का। डैनियल ब्रायन कहां हो मेरे भाई? डैनियल ब्रायन भी है मार्केट में, टेंशन मत लो। मिल गया। हाँ, और ओपोनेंट एक काम करो कि रूसेफ रख लो, रूसेफ कुतरिया। अच्छा रूसेफ भी है यहाँ पर, चलो भाई रूसेफ। कहाँ है रूसेफ? रूसेफ भी, रूसेफ का नाम क्या है एक्चुअली मेरे को याद नहीं, याद था पर अभी याद नहीं आ रहा। रूसेफ मेरे भाई कहाँ हो? क्या एक काम करो, करते एडम पेज को, चलो भाई अमन तो अपना मैच जीत चुका है, मैं हारता हूँ जीतता हूँ क्या करूंगा यार। सेकंड बॉब वायर मैच के लिए रेडी हो जाओ मेरे भाई, डैनियल ब्रायन का इंटरेस्ट देख लेंगे कैसे करते हैं डैनियल ब्रायन। मुझे AEW का हल्का फुल्का नॉलेज है कि सब ने डैनियल ब्रायन, जॉन मॉक्सली और भी दो तीन WWE ने मिलके एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप का नाम बताओ यार कमेंट में। द अमेरिकन ड्रैगन डैनियल ब्रायन, ब्रायन ब्रायन डैनियलसन रिंग में अपनी एंट्री मार चुके हैं। वैसे मैं बताऊं तो ये गेम डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी डिफरेंट है खेलने में, पर मजा तो आ रहा है। एडम कोल है भाई, ओ भाई साहब तुझे यहीं पर करंट लग जाए, लग जाए तुझे यहीं पर शॉक। एडम कोल बाग वायर मैच, तो भाई फाइट चालू हो चुकी है बाग वायर मैच, इट्स डैनियल ब्रायन वर्सेस एडम कोल। भाई किसको करंट का झटका लगा? भाई मैं तो बच गया हूँ, मैंने अमन को देख के सीख लिया है कि भाई ये रोप से दूर रहना। 108 सेकंड के बाद रूप में एक्सप्लोजन होता है और जो सबसे करीब होता है ना उसको पड़ती है अच्छी खासी। आ जा उड़िया उड़िया, चलो भाई अब तू रोप की तरफ जा। भाई बच गया, अभी तक ये रोप की तरफ नहीं गया, बच गया मां कसम। एडम कोल क्या कर रहा है मेरे भाई? वो जीतना है तेरे को, एडम कोल जीतना है भाई तेरे को, कुछ भी कर पर तेरे को जीतना है। अब तो तू जा रोप की तरफ जा, बच गया। UFC का थोड़ा लाज रख लो, UFC के बंदे हो तुम, प्योर UFC, WWE का मिक्स नहीं है तुम्हारे अंदर। और तुम लोगों को ये गेम कैसा लग रहा है कमेंट करके प्लीज बताओ। लगा और लगा, एडम कोल को दो बार ही शॉक लग चुका है, पर मेन शॉक तब लगता है ना जब टाइम हिट करता है जीरो। ओ भाई साहब मैंने रोप पे झुला दिया, अब मार खाएगा, अब सही है भाई। एडम कोल को आई थिंक के ब्लड आ चुका है एडम कोल का। भाई एडम कोल आप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं आई थिंक। क्या करेगा तू मेरे साथ खेल के? मैं तो अब अमन को देख के मैं सीख चुका हूँ, रोप पे सिर्फ झुलाऊंगा। फिर आजा रोप की तरफ, यहाँ भी तू बच गया मां कसम, थोड़ा सा से बच गया। आप नहीं बचेगा, आप नहीं बचेगा, आप नहीं बचेगा। बहुत गंदा खाया भाई एडम कोल मेरे भाई, तू बहुत मार खा रहा है, इतनी मार तो तेरे को नहीं खानी चाहिए थी। अच्छा मेरा सिग्नेचर अभी तक नहीं है, सिग्नेचर बनता है। एक बार और रोप पे झुलाऊंगा मैं, उठ उठ जल्दी उठ भाई। एडम कोल को जोश आ गया, वो बोला अब अपन झुलाएगा रोप पे। अरे भाई साहब अब मारेगा। एडम कोल ने कुछ बैट ब्रेकर टाइप का दिया और ये टॉन्ट मार भाई, पहली बार तो तू नहीं मारा, उसके बाद तू टॉन्ट मार रहा है। पूरे मैच में पहली बार मारा है, उसके बाद ले भाई लास्ट से चला गया भाई साहब, तेरी हेल्थ गई है भाई, बहुत खतरनाक हेल्थ गई है तेरी, हेल्थ गई है भाई, फटने वाला है। लगता है एक बार और झुला दूं ना कसम से ये चला जाएगा। आ जा भाई एक बार भी, आखिरी बार भी तेरे साथ कर ही देगा। तो भाई रिंग फट गया, दोनों डैमेज हो गए, दोनों मिड में थे, दोनों डैमेज हो गए। मेरा पूरा मेहनत बेकार चला गया। एडम कोल को ज्यादा लगा है। एडम नहीं यार मुझे ज्यादा लगा लगता है। एडम कोल को ज्यादा लगा है। हाँ एडम कोल को बहुत ज्यादा लग गया भाई साहब। अब बस एक बार सिग्नेचर और मैच खत्म। एडम कोल को काफी ज्यादा लग चुका है भाई। हट। अब नया नया मूव इस्तेमाल करूंगा मैं एडम कोल के ऊपर। भाई फिनिशर आने ही वाला है बस डैनियल ब्रायन के पास, आई थिंक उसका स्पेशल बार जो है वो ऑरेंज होने ही वाला है। अब लगता है हो जाएगा भाई, हो जाएगा। इसका फिनिशर मुझे देखना है क्या है भाई। बाग वायर मैच का मेन इफेक्ट तो बेचारे एडम कोल के ऊपर हो रहा है। ओ भाई सबमिशन, ये सबमिशन लगा दिया। अगर एडम कोल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके होंगे तो टैप आउट कर देंगे। मैंने छोड़ दिया यार, पहले तू गिर उसके बाद मैं तुझे सिग्नेचर दूंगा। उठ उड़िया उड़िया, पब्लिक डिमांड है। स्पेशल टाइम आ चुका है और आई थिंक यस किक्स है क्या इसका फिनिशर? यस किक्स ही लगा दिया भाई साहब, मैच यस किक्स टाइम। सिग्नेचर फिनिशर आया क्या भाई? स्पेशल एक और स्पेशल है। उड़िया उड़िया,
एडम कोल ने अगर रिवर्स नहीं करा तो कांड हो जाएगा। फिर यस्की को भाई डबल सिग्नेचर दे रहा है क्या? आई थिंक फिनिशर का बटन कुछ और है, फिनिशर ओवर हो चुका है और फिनिशर का बटन कुछ और रहने वाला है। मैं जानता हूं ज्यादा करूंगा नहीं, मैं पिन करूंगा। एडम कोल ने शॉट बचा ले, लोग मार दिया, मतलब चीटिंग एडम कोल सर, अब तो चीटिंग करने लगे। मतलब कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूं। एडम कोल तो यार चीटिंग करने लगा, ये तो मतलब गलत जा रहा है। फिर एडम कोल कैसे करवाता है भाई? एल1 भाई, एल1 से पिन होता है वो, WWE वाला हम लोग समझ रहे हैं। एडम कोल वाले भाई चलो, आई थिंक एडम सर नहीं बचाने वाले। 2-3 बाय सब सर नहीं बचाने वाले, इनका एकदम नेक्स्ट लेवल का कांड हो चुका है। चलो तो यार मैं और अमन तो जीत चुके हैं भाई कॉम से, और काफी अच्छा इज्जत बचा लिया अपनी। चलो भाई डैनियल ब्राइसन भी जीत चुके हैं अपना मैच, बिल्कुल सही। अब बारी है कौन सा मैच खेले। बूम एडम कोल द शॉट द कव, यार लो ब्लो मारा था मुझे एडम कोल ने यार। तो चलो भाई लो अब एक काम करते हैं कि लैडर मैच नहीं खेला हुआ, लैडर मैच खेल सकते हैं। लैडर मैच 2-on-2 ये अच्छा टैग टीम है क्या? अच्छा चलो टैग टीम मारते हैं भाई कॉम को, तब मजा आएगा। चलो मिल करके कॉम को मारते हैं, तब हो सकता है कि कुछ कांड हो। तो चलो एक काम करते हैं कि WWE वाले हम लोग तो वही यार, हम लोग मिल के खेलेंगे तो ज्यादा ही कुछ नहीं हो जाएगा। चीटिंग अगेंस्ट खेलते क्या बोलता है? तो ठीक है अगेंस्ट खेलेंगे, अगेंस्ट खेलते हैं यार, ये ज्यादा चीटिंग हो जाएगी। तो मैं लूंगा भाई, मैं क्या लूंगा, नया कुछ प्लेयर। चल एलेक्सा ब्लैक में लेता, कोई नया प्लेयर लेना है। चलो तो मैं, मेरा पार्टनर होगा केनी ओमेगा और मैं WWE का कुछ खोज रहा हूँ। ये कौन है? कुछ चाहिए कुछ WWE का। अच्छा ओवरऑल वाला सिस्टम नहीं है क्या इसमें? अच्छा कैसिडी का भी नाम मैंने काफी सुना है। ओवरऑल वाला सिस्टम नहीं है क्या इसमें? अच्छा एक्सपैक नेविल WWE का, क्रिश्चियन केज। चलो आ जाओ क्रिश्चियन, मैं लेना भूल गया था। और मेरा पार्टनर क्रिस जेरिको, क्रिस वर्सेस क्रिस। अरे वाह क्रिस जेरिको, टैग टीम में क्रिस एंड क्रिस। चलो ठीक है, मैं किसे रखूं? ये सैमी नहीं, ये WWE का ही कोई रखता हूं। तो ये नेविल है WWE का, और देखता हूं कुछ। रूसेव नहीं मिला था यार, मायरो। हाँ ये रूसेव मायरो, आजा भाई रूसेव मायरो अपने और इधर नाम के साथ। तो चलो टैग टीम मैच एक लग चुका है। देख मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे मत आना, मैं लातू चला दूंगा, मैं कसम से बता रहा हूं। तू मायरो को मार और मैं मारूंगा क्रिस जेरिको को। The following contest is a tag team match. चलो डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें ऑफ है, ऑन है, रोप ब्रेक भी ऑन है, यानी कि ये मैच एक्सट्रीम नहीं जाने वाला है। आ गया क्रिश्चियन, तुम्हारा पार्टनर यार एज WWE में, तुम क्या कर रहे हो? चलो क्रिश्चियन की एंट्रेंस हो चुकी है, टाटा है क्रिश्चियन, और छोटी छोटी एंट्रेंस डाली है भाई साहब, ये तो एक्सट्रीम रूल्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ। ये आ चुका है हमारा एलेक्सा ब्लैक, जो कि यहाँ पर मलाइका ब्लैक के नाम पे मशहूर है। चलो भाई आपका भी टाटा हो चुका है। अच्छा एंट्रेंस काफी छोटी है, L2। अच्छा मैं बाहर क्यों नहीं यार? अबे टारगेट चेंज नहीं कर रहा है। ए भाई ये क्या हुआ भाई? दोनों का टारगेट चेंज। अच्छा मैं नहीं मार रहा हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं नहीं मार रहा हूँ, ऑटोमेटिक मार रहा है भाई। मैं क्या रूसेव बन गया? मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा रूसेव बन गया भाई साहब। ओ हाँ भाई मैं रूसेव बन गया हूँ। भाई साहब रूसेव को मारा, अच्छा खासा मारा भाई, भाई रूसेव को। मैं रूसेव बन गया भाई, रूसेव मेरे भाई थोड़ा मार खा जा। क्यों मार खाऊं? फेंक दिया रूसेव को। अरे उसके तरफ क्यों देख रहा है भाई? भाई टारगेट चेंज हो गया रूसेव का। अरे मलाइका ब्लैक चीटर, गुड मलाइका ब्लैक मार। नीचे कैसे कूदता है कोई बताएगा मेरे को? मैं अंदर नहीं आऊंगा, चीटिंग करता है ये। अरे मेरा टारगेट, ओ भाई मैं तो कुछ लाके मार दूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूं। मलाइका ले, तू ही मार कर। नहीं नहीं मलाइका को मत मार, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन है वैसे। नीचे ऊपर कैसे आता है? ऊपर L2 या R2 से जाएगा ऊपर, देख ले, या दौड़ने वाले बटन से। अच्छा दौड़ने वाले, यस ये सही बता। मैं तो जाके मार, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, मैटर सीरियस हो जाएगा यार, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा मैटर। रूप में झुला के मारा, कसम से मजा आया भाई, बहुत मारा यार। क्रिश्चियन केज के पास आई थिंक एक, अरे तू दौड़ मत, उसको मारने पे कॉन्सेंट्रेट कर, दौड़ मत। क्रिश्चियन केज को अच्छा खासा मारा भाई, अरे मार के से पकड़ लिया। क्रिश्चियन केज नहीं, गलत बात, चीटिंग नहीं, क्रिश्चियन केज। बहुत मारा, अरे बहुत मारा।
मलाइका दिख रहा है ना, मुझे टैग देने दे यार। टैग देके भी वो तू ही बन जाएगा भाई, इसकी हेल्थ जा चुकी है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो बोल रहा हूँ टैग देने दे, देख देने क्यों नहीं दे रहा है भाई, उठा इसको। अरे बाप रे, दौड़ के खींच के मारा है भाई बाहर के नीचे। अब तुझे मैं बताऊंगा, अब सही बंदा पकड़ाया मुझसे है भाई। ये तो गलत जा रहा है, फिर ये तो गलत जा रहा है, यही। ओ भाई साहब, दो मुंह में सिग्नेचर कैसे आ गया? हमारे साथ ऐसे ही होता है। ओ सिग्नेचर में सिग्नेचर कैसे आ गया? मां कसम, दो मुंह में सिग्नेचर कैसे आ गया? भाई मैं क्या बन गया हूं? अरे बाहर फेंक दिया मेरे को मलाइका ब्लैक, क्या कर रहा है? और मैंने इतना मारा, मेरा सिग्नेचर क्यों नहीं आया? ओ भाई चल मैं फोकस मारता हूं। ये देखो भाई मैं नाच रहा हूं। लिसन टू मी, यू आर गोइंग टू वांट टू रिमेंबर दिस। निकलता है टू ग्रैब वेपन अंडर, नहीं वेपन क्या नहीं है भाई, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन है। ओ मैं नाचते वक्त मत आना भाई, नाचते में मैं घुस गया, मैं नाचते टाइम पे घुस गया, फिनिशर क्यों नहीं आ रहा मेरा? और ये लोग इंटरफियर नहीं कर रहे हैं भाई, सब कांड हो गया भाई। अरे तू रॉन्ग टाइम पे फोकस क्यों मारने लगता है मेरे भाई, मिटेगा। अब तो तू आ, अरे बाकी सब उठा। अरे इसके हर दो मुंह पे सिग्नेचर कैसे आ जा रहा है? ओडिया ओडिया यहां से, तू सिग्नेचर और फिनिशर सब दूंगा मैं। ओ बचा लिया, बाकी सब बचा लिया सही टाइम पे भाई साहब। यार सिग्नेचर में सिग्नेचर, अरे सिग्नेचर आ गया, अब तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, इट्स सिग्नेचर टाइम। अरे भाई उसके तरफ स्टार, अरे उसके तरफ टाइम, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अरे पकड़ तो सही मेरे भाई उसको, उसके बाद तो सिग्नेचर लगाएगा। अरे यार सिग्नेचर मैं पिन करवा लो, फटाक से पिन करवा लो। अरे रो ब्रेक, ओ बच गया भाई, बच गया रो ब्रेक। ये तो कांड है, मतलब क्या ब्लैक तू मेरी तरफ क्यों है भाई, तेरे को मार दूंगा ज्यादा करेगा तो। चलो वो उधर बिजी है, उसके मारो, वो उधर मारो, उधर बिजी है। ओ भाई मायरू इधर बिजी है, मायरू को मार सकते हो। ओ भाई एलेक्सा ब्लैक कहां गया? सिग्नेचर आ गया फिर से भाई, अब तो गया, एलेक्सा ब्लैक भी गिरा हुआ है भाई। फिनिशर लगा दो, फिनिशर लगाया ना, हां लगा दिया भाई। ओ सिग्नेचर है भाई, रो ब्रेक नहीं इस बार, रो ब्रेक नहीं इस बार। एलेक्सा ब्लैक निकम्मे आ जा, निकम्मे एलेक्सा ब्लैक आ जा, कोई नहीं छुड़ाएगा। क्रिश्चियन क्रिश्चियन को बचा सके, ओ मां कसम, ओ जीत गया टैक्सी मैच, मां कसम यार जीत गया। हट यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्रिशन क्रिस की टीम जीत चुकी है। He is the devil god, Rishabian, Chris Jericho. What an amazing match we've had tonight. तो भाई लोग हम लोगों ने तो काफी बार खेल लिया है, अब देखते हैं कि इसमें कॉम वर्सेस कॉम का क्या सिस्टम है। और भाई कॉम वर्सेस कॉम में कुछ ऐसा होगा ना कि मतलब दो भाई एक दूसरे से फाइट करेंगे और उनमें से एक भाई एक्चुअली डीएलसी में मिला, तो चलो देखते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कि कौन कौन आएगा। लाइट्स आउट मैच, फॉल्स काउंट एनीवेयर, लाइट्स आउट, देखते हैं। आई थिंक फॉल्स काउंट एक्सट्रीम रूल्स, एक्सट्रीम रूल्स मैच है, तो चलो दो भाइयों की जब लड़ाई होगी तो वो पूरा ही जाएगा। तो चलो तो भाई पहला भाई यहाँ पर आ रहा है जो कि और कोई नहीं है बल्कि है भाई डीएलसी में मिला है हम लोगों को, रुको देखते हैं, रुक जाओ। अच्छा यार शार्लेट का पति भी था, मैंने नहीं लिया यार, लेना चाहिए था मुझे शार्लेट का पति। जेफ हार्डी आ चुके हैं और इनके भाई जो तुम लोग ऑब्वियसली गेस कर चुके होगे, मैट हार्डी जो कि डीएलसी पैक में आए हैं, डिलीट करने जेफ हार्डी को। मैं तो भाई मैट हार्डी की तरफ, तो इट्स जेफ वर्सेस मैट और ये कॉम वर्सेस कॉम का मैच होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली कॉम वर्सेस कॉम तो करेंगे यार। शार्लेट का पति भी था अंद्रादे, मेरे दिमाग से निकल गया था, वरना मैं अंद्रादे ले लेता भाई। चलो मैट हार्डी वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में ये मैच हो रहा है, मेरा सट्टा लगा है मैट हार्डी के ऊपर। भाई जेफ हार्डी तेरे को जीतना है भाई, रियल WWE में भी तू ही जीता था, इस बार भी तू ही जीतेगा। ब्रदर नीरो आ चुका है और अब आएगा डिलीट। ओ भाई साहब, भाई साहब से कहां से टक्का, हथियार पहले से ही रिंग के अंदर है। अच्छा मतलब खोजने की जरूरत है नहीं, अच्छा गायब भी हो रहे हथियार, खोजने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर मैट हार्डी ने काफी मार दिया जेफ हार्डी को, अच्छा खासा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है मैट हार्डी। भाई मैट तुझे इज्जत बचानी है मेरी, कोई बात नहीं, जब जेफ हार्डी एक्सट्रीम मोड पे जाएगा ना तब हो सकता है कि मैट हार्डी कुछ ना कर पाए। ग्रैपल, आई थिंक अभी तो मैट हार्डी भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है और जेफ हार्डी का बॉडी ऑरेंज हो चुका है भाई यार। ये भाई ट्रिपल एच को ट्रिब्यूट देते हुए, ये क्या हैमर है? नहीं हैमर नहीं, स्टिक है, स्टिक। मैट हार्डी का काफी ज्यादा एनर्जी है और मैट हार्डी मारते हुए भी नजर आ रहे हैं, ग्रैपल और ये मुक्का मुंह पे। और अब देखते हैं क्या करता है मैट हार्डी। ओ भाई साहब बचा भाई जेफ, तू पूरे मैच में कुछ नहीं किया है मेरे भाई जेफ,
हैमर अब तो ट्रिपल एच को ट्रिब्यूट मिलेगा ही AEW में। पूरे मैच में मार खाया, बॉडी रेड हो चुकी है, पूरे मैच में मार खाया इसने भाई, अभी भी मार खाते रहे ना तो इसका फिनिशिंग मूव आ जाएगा। अब सिग्नेचर शायद आने वाला है मैट हार्डी का, अगर एक दो मूव तो लगा देता। ये एक्चुअली तुम्हारे टाइप का मैच है जेफ, ये एक्सट्रीम रूल्स मैच है जो कि तुम्हारे टाइप का रहने वाला है। ओ भाई सब फेंक के, लेकिन निशाना गलत था जेफ हार्डी का, जिसलिए लगा नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन जीतने वाला है, मुझे तो लग रहा है मैट हार्डी जीतेगा, मैं बता रहा हूँ। ओ भाई एक्सट्रीम रूल्स पे आ चुके, और ये क्या उठा के लाया, ये मतलब क्या रोड ब्लॉक क्यों उठा के लाया भाई, रोड ब्लॉक नहीं लगा, बचा लिया जेफ हार्डी ने। जेफ हार्डी भी अब मारते हुए नजर आ रहा है, मैट हार्डी ने बचाया क्या, लग तो ऐसी रहा। ग्रैपल, एक बार फिर से ग्रैपल कर लिया मैट हार्डी ने, और अब मैट हार्डी आधे मैच में 99% मैच में सिर्फ जेफ हार्डी पीट रहा है। जेफ हार्डी कब तुम टेबल टर्न करोगे कब, अरे ये देखो करना चालू कर दिया जेफ हार्डी। ओ भाई साहब एक्सट्रीम मूड पे जाने की ट्राई किया था जेफ हार्डी ने, पर नहीं गया जेफ हार्डी भाई, क्या करे। ओ भाई अब मैट हार्डी ने मारना शुरू कर दिया स्टॉप साइन से, अब लगता है मैट हार्डी के पास सिग्नेचर फिनिशर आने वाला है, एक दो मूव के बाद आ जाता, लेकिन जेफ हार्डी ने बचा लिया भाई। अब फाइनली जेफ हार्डी भी थोड़ा बहुत मोमेंटम गेन कर रहे हैं और मारना चालू कर दिया है जेफ हार्डी को, मैट हार्डी मेरे भाई, मैट हार्डी का हेड हो चुका है येलो और जेफ हार्डी का बॉडी हो चुका है येलो। भाई देखो जिसका फिनिशर आएगा ना वही लगाएगा, वही करेगा कांड, ठीक है। अच्छा अभी तक हम एक भी फिनिशर बचते हुए तो यहाँ देखा नहीं गया है, देखते हैं कोई बचाता है या नहीं। ऊपर से कूदने वाला है क्या, से जंप मारने का सिस्टम नहीं बनाया क्या गेम में, अरे मां की कसम मारा, ये ग्लिच था क्या था, ये डायरेक्ट रोप से नीचे चला गया। अब मैट हार्डी अब चेयर से पैन से भाई किसके तब अंडे में से तब उठा के लेते हैं भाई, पैन से मार दो भाई साहब। ग्रैपल करते करते मूव भी कर रहा है यहाँ पर भाई, ये लोग एक्सट्रीम मोड पे जा चुके हैं तो इन दोनों ने बोल दिया कि ये जो मैच होगा वो फाइनल मैच होगा। ओ टेबल भी उठ चुका है, टेबल टूटने वाला है भाई साहब, तोड़ दे, नहीं जेफ तेरे को तोड़ना है टेबल भाई, ये तेरा मैच है भाई, एक्सट्रीम रूल्स मैच क्या कर रहा है। टेबल अगर जो तोड़ा ना भाई तब तो मोमेंटम गया क्या, टेबल टेबल लगता है कि 2K वाला टेबल नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रांग टेबल है, मेरे को लग रहा है ये काफी स्ट्रांग टेबल रहने वाला है। मैट हार्डी एक बार फिर धक्का दे रहा है टेबल की तरफ, नहीं बैरिकेड की तरफ। मैट हार्डी तो भाई इस मैच में स्टार्टिंग से लेकर अभी अंदर, भाई तू से मार खाएगा क्या, अपर हैंड में, अब टेबल अंदर रिंग के अंदर जा रहा है टेबल, मुझे लगता है रिंग के अंदर लेटा के कूदेगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया, रिंग के अंदर जाने के बाद ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया टेबल, अब क्या है मैट हार्डी के पास कुछ। ओ पैन है, ओ पैन, वो से टेबल का मैच हो रहा है जिसमें पैन जीत, ओ नहीं भाई टेबल लगा दिया जेफ हार्डी, दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर मोमेंट, टेबल तोड़ता है तेरे को, ऊपर से चढ़ के अगर कूदता ना तो पकड़ते जी भाई, टेबल तोड़ नहीं पाए। पैन से अब मारना शुरू, जेफ हार्डी के पास अब आने वाला है सिग्नेचर फिनिशर, सिग्नेचर आ गया, मां कसम जेफ हार्डी कांड कर सकता है। ओ भाई कांड नहीं करने दिया और सिग्नेचर मूव खत्म हो गया भाई, अभी तो आ ही गया था। पिन हो सकता है जेफ हार्डी का, पिन 1 2 नहीं, बचा लिया, क्लोज कॉल था पर बचा लिया, पर आई थिंक के सिग्नेचर लगने के बाद नहीं बचा पाएगा, अभी भी जेफ हार्डी के पास कभी भी सिग्नेचर आ सकता है। आ गया सिग्नेचर एक बार फिर से, लगता है लगा दिया, सिग्नेचर नहीं लगाया पर जो भी मूव लगाया काफी तगड़ा मूव था। ओ भाई साहब नीचे चला गया मैट हार्डी ने, स्मार्ट मूव दिखाया मैट हार्डी अंदर, भाई सिग्नेचर तेरे भाई के पास, अरे सिग्नेचर ओवर करवा दिया, नहीं फिर से आ गया, अब आ चुका है फिंड का, नहीं स्टिंग का डंडा उठा चुका है मैट हार्डी, मैट हार्डी अंदर आ चुका है। जेफ हार्डी ढीले मत कर, तुम्हारे पास ओवर लग गया भाई, सिग्नेचर भी आ गया, लगता है जेफ हार्डी मैच को खत्म करने के मूड में लग रहे पूरे, लेग भी इंजर्ड हो चुका है मैट हार्डी का, सिग्नेचर देने जा रहा है जेफ हार्डी, सिग्नेचर देने जा रहा है भाई, लगता माफी मांग रहा है मैट हार्डी, माफी मांग रहा है, सिग्नेचर है क्या, स्पेशल भी आ चुका है मैट भाई, अब तो फिनिशर बनता है, स्वांटन बम अपने को चाहिए मार्केट में, एक बार और सिग्नेचर दे चुका है जेफ हार्डी। ओ नहीं 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 नहीं, डिलीट कर रहा है क्या, अब लगता है सिग्नेचर देने वाला है, आई थिंक फिनिशर रहने वाला है, अगर फिनिशर लगा दिया जो कि स्वांटन बम ही है ना, अरे यार कितना मार खा रहे हो मैट हार्डी, स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक खेल रहे थे भाई, अभी काफी ज्यादा मार खा चुका है और आई थिंक ये मेरे को अच्छा लग रहा है, पिन हो सकता है, पिन हो सकता है, नहीं होगा पिन, नहीं होगा यार, 2 3 अरे मां कसम पिन करवा लिया, बिल्कुल सही ये है
ताकत जेफ हार्डी की। भाई ये कैसे हुआ यार, नॉर्मल पिन में कौन जाता है? जेफ हार्डी ओपी भाई, जेफ हार्डी जीत करके चला गया और एक्चुअली ये मार बहुत खाया था, पर इसके सिंगल रिकॉर्ड्स तुम देख सकते हो, 1-0 चल रहा है। तो भाई जेफ हार्डी जीत चुका है इस मैच में, क्या बोलूं यार, मैच हार्डी जीते जीते हारी है, मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा ये चैलेंज था एक्चुअली स्पेक्टेटर कॉम वर्सेस कॉम मैच भाई साहब, तो हमने कर दिया है भाई कॉम वर्सेस कॉम। तो चलो भाई लोग ये रही हमारी AEW की आज की वीडियो, तो तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलो भाई लोग मिलते हैं तुम लोग से अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट ट्राई बाबर मैच एट योर होम प्लीज। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।